अयोध्या में 22 जनवरी रामलला अपने नवनिर्मित मंदिर में विराजमान हुए हैं। इसके चलते देश प्रदेश से श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं। 9 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान जयपुर से भी हमारे बीच एक श्रद्धालु आए हैं, उनसे जानते हैं क्या उद्देश्य। भाई मैं 1008 हनुमंत महायज्ञ है यहाँ श्री राम भद्राचार्य, यहाँ मुझे आकर बहुत अच्छा लग रहा है। और ये दृश्य को देखने के लिए लगभग 5 वर्ष का इंतजार किया है। और इसी के साथ ही यहाँ पर कहीं दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं, यहाँ भोजन भी मिला है और रहने की व्यवस्था है यहाँ सभी श्रद्धालु की, यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ पूरा देश राम में हो रहा है, 22 जनवरी को अयोध्या में भी रामलला अपने नवनिर्मित घर में विराजेंगे। यहाँ पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं, कोई पैदल आ रहा है और कोई ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आ रहा है। अभी हमारे पीछे श्रद्धालु आए हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। आपका जन आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगे, मेरे जन्मों के ले जाएंगे राम आएंगे। अति सुंदर आज अयोध्या में हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हम किसी त्रेता युग की ओर आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। सारी व्यवस्था, सारा माहौल भक्तिमय है, राम में है और राम तेजस से ओत प्रोत होकर के यहाँ की हवाएं फूलता है। राम की भक्ति का ही हमें अनुभव हो रहा है। अयोध्या से इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है। हम चलते हैं उज्जैन महाकालेश्वर से पैदल एक श्रद्धालु अयोध्या धाम पहुंचे हैं। जय श्री राम, मेरा नाम राजवर्धन सिंह सिसोदिया जी, मैं उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी से पैदल आए हैं। पद यात्रा है 1008 किलोमीटर की, मेरी यात्रा रही है 30 दिन में मैंने इसको पूर्ण किया। प्रभु ने बोला, वहाँ महाकाल ने बोला कि हाँ बेटा तू पैदल जा, तो मैं पैदल आ गया। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, सभी जगह राम भक्तों ने मेरा पूरा रहने का खाने का इंतजाम जो था सभी राम भक्तों द्वारा ही किया गया। यहाँ कैसा लग रहा है? यहाँ आके तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जब आया था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, जब मैंने प्रभु को दर्शन करा तो आंखें जो नम होती है, जब कई कड़ी तपस्या के बाद जब प्रभु के दर्शन हो जाए तो बस वैसा ही अनुभव हो रहा था कि मैंने 1008 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण हुई, यात्रा से प्रभु के दर्शन हो गए थे, तो बड़ा अच्छा लगा। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? जाने का देहरादून में आज करता केदारनाथ बद्रीनाथ, ऐसे मेरे अयोध्या का विचार था। कोई 600 किलोमीटर से पैदल यात्रा कर रहा है तो कोई 1000 किलोमीटर से यात्रा कर अयोध्या में होने वाले इस अनोखे अमृत उत्सव में अपनी